वेलकम बैक माई चैनल पी एफ डी सेल्स। सो गाइज कैसे हैं? गाइज आज की जो वीडियो है वो है हमारी ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स पे। या गाइज हम बहुत ही ईजिली इसे रिमूव कर सकते हैं एंड दिस बहुत ही ईजिली। वो किससे गाइज? वो है ये कॉफ़ी से। एंड नाउ मैं आज आपको कॉफ़ी एंड यहाँ पे मैंने ली है फेविकोल, इन दोनों चीज़ों से मैं आपको अपने ब्लैकहेड्स एज अ प्रॉपरली जो होते हैं एज अ रिमूव करके दिखाऊंगी। बहुत इजी हो जाते हैं। तो गाइज हमें किस तरीके से कॉफ़ी एंड फेविकोल को यूज़ करना है एंड किस तरीके से अपने ब्लैकहेड्स हम इसे बहुत ईजिली रिमूव कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहले हम यहाँ लेंगे नेस्कॉफ़ी। यहाँ पे मैंने ये कॉफ़ी का पैकेट लिया है छोटा सा, और साथ में एक ले रही हूँ कांच का बाउल। इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी डालनी है हमने, हाफ टी स्पून से भी कम हमने यहाँ पे कॉफ़ी लेनी है, जस्ट इतनी कुछ। बहुत थोड़ी सी ली है मैंने इसकी क्वांटिटी। एंड इससे हमने ट्रिपल यहाँ पे डालना है फेविकोल। जी यस, मैंने यहाँ पे लिया है ये वाला फेविकोल, ये वाइट ग्लू जो होती है, ये कोई भी लोकल शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी। एंड ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, बहुत लोएस्ट प्राइस की होती है। तो ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और इसकी क्वांटिटी हम इसे ट्रिपल रखेंगे, क्योंकि फेविकोल ने जो है यहाँ पे सारा काम करना है, और कॉफ़ी ने जो भी हमारी डर्ट, जो भी हमारी स्किन के अंदर जो भी गंदगी है वो क्लीन करेगी। तो इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्सअप कर देना है एक ब्रश की हेल्प से, चाहे तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट आपने यहाँ ब्रश लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। और ये नहीं है कि आपने अपना मेकअप अच्छे से रिमूव कर लेना है, उसके बाद अच्छे से फेस वॉश करने के बाद जस्ट ये पैक इस तरीके से आपने रेडी कर लेना है। एंड ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और ये कुछ इस टाइप का बन गया है यहाँ पे, बहुत थिक सा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्टीम। सबसे पहले हमने पैक बनाने के बाद स्टीम लेनी है, 5 से 10 मिनट्स हमने अच्छे से स्टीम लेनी है। जितनी देर आप ले सकते हो उतनी देर लीजिए, इससे क्या होंगे हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, और ब्लैकहेड व्हाइटहेड्स है जो हमारे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे कि हम जब अपना पैक अप्लाई करेंगे फेस पे, उससे क्या होगा कि जो हमारा पैक है वो अच्छे से काम कर पाएगा, जो हमारे ब्लैकहेड्स हैं वो अच्छे से बाहर निकल आएंगे, और व्हाइटहेड्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। इससे हमारी डर्ट जितनी भी स्किन के अंदर है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने 5 से 7 मिनट अच्छे से स्टीम ले ली, एंड मेरा फेस आप देख सकते हो। और जस्ट इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फेस को पोंछना नहीं है, जस्ट हमने ये पैक अप्लाई कर लेना है। और ये पैक गाइस अपने आईज़ से थोड़ा सा दूर ही लगाना है, क्योंकि मैंने यहाँ तो आईज़ के पास लगा लिया था, बट नहीं, आपने नहीं लगाना है आईज़ के पास, थोड़ा सा हमने दूर रखना है आईज़ से इस पैक को। हल्का हल्का क्या होता है यहाँ पे, ये पैक जो है हल्का हल्का लगने लग जाता है चेहरे पे, जैसे हम ब्लीच करते हैं उस टाइप का, बट इससे हमारे चेहरे को कोई भी हार्म नहीं होगा। तो इस तरीके से, क्योंकि हमने इसमें कॉफ़ी ऐड की है, तो इससे ये बेनिफिट ही देगा, इससे हमें कोई हार्म नहीं होगा, हल्का सा लगेगा बट जस्ट ओके। और ये देखिए मेरे आईज़ पे हल्का हल्का लग रहा था ये, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा ना अपने आईज़ के क्लोज लगा लिया था, बट आपने थोड़ा सा आईज़ से अपने दूर ही लगाना है इस पैक को, एंड जहाँ जहाँ आपके ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स हैं वहाँ वहाँ इसे आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से सिंगल कोड है जो अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लिया, एंड जिस पूरा पैक जो है जहाँ जहाँ मुझे अपने ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स लग रहे थे वहाँ वहाँ मैंने इसे अप्लाई कर लिया। तो हेड पे मेरे बिल्कुल भी ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स नहीं हैं, तो मैंने जस्ट इसे नोज़, चिक एंड चिन के पास ही लगाया है, एंड यहाँ यहाँ लगा के ये देखिए, तो ये देखिए मैंने पूरी तरीके से यहाँ पे लगा लिया है। और आईज से आप थोड़ा सा दूर ही लगाइएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो ये देखिए मैं आईज़ के यहाँ पर क्लोज था, तो इसे मैं जस्ट हल्के हल्के अपने फिंगर की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। तो इसे हमने सूखने दिया है, मैंने यहाँ पे इसको मिनिमम 15 से 20 मिनट सूखने दिया, और ये अच्छे से सूख गया है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से उतरेगा, ये देखिए, और ये थोड़ा सा ना जब निकलता है तो आपको थोड़ा सा दर्द होगा, पेन होगा, तो प्लीज़ वो सह लीजिएगा, इससे क्या होगा हमारे ब्लैकहेड्स बहुत आराम से निकल आएंगे। ये देखिए इस तरीके से निकलेगा, और जो भी डर्ट वगैरह है बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगी। जैसे चारकोल मास्क होता है ये सेम वैसे ही काम करता है, और उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये देखिए मैं पूरे फेस से इस तरीके से उतार लूँगी, एंड जस्ट ये बहुत अच्छा पैक है, ये देखिए कितने अच्छे से उतर रहा है। थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट आराम से आप उतारेंगे गीले गीले हाथों से तो उतर जाएगा। तो इस तरीके से उतारने के बाद मैंने यहाँ पे एक बक्सवा ले लिया है, चाहे तो आप जो ब्लैकहेड्स वाली पिनअप होती है वो भी ले सकते हैं, जो ब्लैकहेड्स जिससे हम क्लीन करते हैं दबा दबा के। तो यहाँ पे मैंने बक्सवे की हेल्प से सारे फेस पे आराम से जो भी अपने ब्लैकहेड्स थे वो क्लीन कर लिए, एंड जस्ट फेस वॉश कर लिया यहाँ पे मैंने। और ये अपने
ज़रूर करना है फेस को अच्छे से वॉश। और बक्सुए की हेल्प से अगर आपको लगता है ना कोई ब्लैकेट्स रह गए हैं तो आपने हल्के हल्के प्रेस करके उसे निकाल लेना है। तो गाइस इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे आइस। आइस हमारे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे जितने भी पोर्स ओपन हुए हैं वो बंद हो जाएंगे और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। और यहाँ पे हमने स्टीम भी ली थी तो पोर्स जितने भी ओपन होते हैं ना उन्हें बंद भी करना होता है कि उनके अंदर डर्ट ना चली जाए, क्योंकि अभी तो हमने डर्ट सारी निकाली है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे अच्छे से मेरा फेस क्लीन हो गया है, सी दिस। एंड इसके बाद अपना अच्छे से आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे अपनी नाइट क्रीम लगाई है, अगर आप नाइट क्रीम लगाते हो वो लगा लीजिए, अगर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहते हो तो वो लगा लीजिए। एंड जस्ट उसके बाद आपका फेस ऑटोमेटिकली आपको खुद लगेगा कितने सारी जो गंदगी थी वो आपके फेस से निकल गई है। तो यार गाइस, तो गाइस आप भी इस तरीके से अपने ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो होते हैं बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। एंड कॉफ़ी एंड फेविकोल से अपने ब्लैक हेड्स को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं एंड दिस बहुत आसानी से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक देन एंड बाय।